आपको करनाल से दिखा रहे हैं जहां पर ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काला कानून बंद करो, इसको लेकर ड्राइवर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम सिटी करनाल से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो सभी ड्राइवर सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना कानून है वो बनाया गया, हिट एंड रन पर जो कानून बनाया गया उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था किस प्रकार से ट्रक ड्राइवरों ने विरोध किया था, अब जो काफी संख्या में ड्राइवर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ड्राइवर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या करें, कहां से काम जा रहे हैं? सेक्टर 4 यूनियन से चला पूरा करनाल कवर करेंगे। जो टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड पे हम हो आए हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं है। टैक्सी स्टैंड वाले 5-4 जने आए हमारे साथ, वरना कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। हम है ट्रक ड्राइवर, स्कूल के बसों में ड्राइवर, हमारा कोई नहीं साथ दे रहा। स्कूल बस ड्राइवर भी है, स्कूल बस ड्राइवर है, तो अपना डंपर वाले रोडवेज कर रहे हैं, कहीं हम कल को आएंगे। बात हुई थी 1 तारीख से चक्का जाम की, तो आप देख सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर ड्राइवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से ड्राइवर चले जो पूरे शहर के अंदर घूमकर विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काले कानून बंद करो, इस प्रकार के जो नारेबाजी है वो यहां पर की जा रही है। जो कुछ ड्राइवर है उनसे फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, क्या किस चीज का विरोध, विरोध किस चीज का? सर, ये सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं ना ड्राइवरों के लिए, ये सही नहीं है, इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों सही नहीं? अगर सड़क पर किसी को मारकर भागना ठीक है सर? ये बात, अगर हम मौके पे रुकेंगे तो वहाँ पे पब्लिक हमारे को छोड़ेगी, तो हमारे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे, हम मौके पे भागेंगे नहीं। जो घायल होगा उसको छोड़ के जाएंगे हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट वाले को प्रोटेक्शन देगी मौके पर, भाई हम तुम्हारे को प्रोटेक्शन देंगे, कोई बंदा किसी ड्राइवर को हाथ नहीं लगाएगा, तब हम मानेंगे ये बात। पब्लिक के खिलाफ भी कानून बनाना चाहिए जो ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कई बार तो ड्राइवर को जान से मार देते हैं, हमारे भी घर पे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कौन पड़ेगा उनको बताओ। तो अब क्या निर्णय लिया आपने? हमने यही निर्णय लिया है, गवर्नमेंट के खिलाफ ये नारेबाजी चलती रहेगी जब तक अपने कानून वापस नहीं लेंगे वो। तो अब ट्रक नहीं चलाओगे? नहीं चलाएंगे जी, हम मजदूरी कर लेंगे, ट्रक नहीं चलाएंगे, बिल्कुल पूरे देश में चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सारे देश में चल रहा है जी, हम नहीं चलाएंगे जब तक, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी तब तक। कौन कौन से ड्राइवर आपके साथ आए हैं? हमारे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर है और टेम्पो ड्राइवर है, सारे ड्राइवर हमारे साथ है, रोडवेज को छोड़ के हमारे साथ भी तो बैठे हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। वो कल से करेंगे सर, आज से नहीं कर रहे हैं वो, वो कल से उनसे बात हुई लेकिन कल से वो बंद करेंगे, वो भी उनसे बात हो चुकी है। उनसे आपने ट्रक बंद कर दिया? बंद कर रखे हैं बिल्कुल सर, 3-4 दिन से चलाओगे नहीं? चलाएंगे सर। तो आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूल बस ड्राइवर है जो हालांकि बताया जा रहा है, कुछ और टैक्सी ड्राइवर भी उनके साथ है। उनका कहना है कि अगर कानूनों के बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया तो वो इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सड़कों पर ड्राइवर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, सीएम सिटी करनाल के ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए साल के आगाज पर पहले ही दिन सड़कों पर ड्राइवर उतर चुके हैं, पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आपको दिखाया था किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो हिट एंड रन पर 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया गया है उस पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 27 तारीख से उन्होंने अपना ट्रकों का चक्का जाम कर रखा है और आगे भी इसी प्रकार से चक्का जाम रखेंगे। अगर कोई कार्रवाई, जो कानूनों के खिलाफ कोई अलग से विचार विमर्श नहीं किया जाता तो इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वो करते रहेंगे, अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेंगे। लाइव तस्वीर हम आपको सीएम सिटी करनाल से दिखा रहे हैं। करनाल से विकास माला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।